वेलकम टू माय चैनल अरुणा सेशंस टू लाइफ। आज मैं ये वीडियो में मेथी के सीड से मेथी कैसे उगाते हैं, मिट्टी कैसे मिक्स करना है और कैसे ग्रो हो रहा है और कैसे मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बेबी मेथी कहते हैं, बहुत अच्छा सब्जी बनता है। मैं फिर एक वीडियो में आपसे शेयर करूँगी सब्जी कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी में मैं मुट्ठी भर के मेथी ली हूँ और उसे पानी डाल के एक दिन पूरा भिगाना है। इसे भीगने के लिए रखती हूँ। दूसरे दिन छान के लेती हूँ। मेथी अच्छे से भीगा है, देखिए कितना अच्छा फूला है। अब इसे ट्रे में लगाते हैं। मैं मशरूम का ट्रे है मेरे पास, तो मैं उसमें लगाऊंगी। मशरूम का ट्रे को पहले होल करना है, तो होल करने के लिए मैं ऐसे स्क्रू ड्राइवर गरम करके ऐसे होल करती हूँ। मैं जैसे कर रही हूँ आपको मैं बता रही हूँ, कोई बिगनर्स है तो आप अच्छे से कर सकते हो। मैं हमेशा करती रहती हूँ। ये ट्रे में भी बहुत अच्छा सब्जी आता है। एक फैमिली को अच्छे से सब्जी हो जाएगा। और मेरे पास ऐसे दूसरे ट्रे भी है, इसमें भी पहले मैं होल करूँगी। इससे भी बड़ा ट्रे आप ले सकते हो। स्क्रू गरम कर कर के होल करना है। देखिए मैं एक ट्रे में 5 होल की हूँ। अब दूसरा ट्रे में भी मैं होल कर रही हूँ। ट्रे को होल करना कंपलसरी है। देखिए अच्छे से होल होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अब मिट्टी मिक्स करते हैं। एक मग मैं कोको पीट ली हूँ। कोको पीट कैसे यूज़ करना है मेरा वीडियो में मैं दिखाई हूँ। और एक मग मिट्टी लेना है, उसमें एक मुट्ठी नीम पाउडर ले रही हूँ। नीम पाउडर से चींटियाँ नहीं आते हैं। वर्मी कंपोस्ट है ये भी डालना है। ये मैं ऑनलाइन से मंगाई थी, 5 किलो का बैग आता है। देखिए ऐसा रहता है। ये मिक्स करेंगे ना आप, बहुत अच्छा ग्रो होता है। मैं इसमें 4 मुट्ठी कंपोस्ट मिला रही हूँ। और एक मुट्ठी भर के रेत मिलाई हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। घर पे बेबी मेथी सुगाते हैं ना, बिल्कुल ही कड़वा नहीं रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। अब अच्छे से मिक्स की हूँ, ट्रे में डाल रही हूँ। ट्रे भर के डालना है, थोड़ा सा गैप रखना है। आपको ट्रे का लेंथ दिखा रही हूँ। अब मेथी डालते हैं। पूरा ट्रे में मेथी डालना है। अच्छे से मेथी डाल रही हूँ। अब मेथी के ऊपर मिट्टी का लेयर डालना है। आप कोको पीट का लेयर भी डाल सकते हो। ऊपर से मिट्टी का लेयर डालने के बाद दबाना नहीं है, हल्का हाथों से इसे करना है। देखिए अब भी पानी डाल रही हूँ, पानी डालना भी कंपलसरी है। कोको पीट डालेंगे ना तो हल्का रहता है ऊपर, वैसा भी अच्छा रहता है। मैं तो मिट्टी डाली हूँ तो भी अच्छे से ग्रो हुआ है। अब मैं मशरूम का ट्रे में भी भरी हूँ, उसमें भी सीड्स डाल के आपको दिखा रही हूँ। घर में अच्छे से उगता है, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं आता है। मैं आपको सीड से लेके कटिंग तक मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। ट्रे में भी मैं अच्छे से पानी डाल रही हूँ।
अभी ट्रे को मैं 10-15 मिनट के लिए धूप में रख रही हूँ, हल्का धूप में, क्योंकि चौथा दिन में ऐसे आए हैं। रोज मैं शाम का धूप दिखा रही हूँ और रोज ऐसा स्प्रिंकल करना है पानी, जोर से नहीं डालना है। कितना अच्छे से ग्रो हुआ है, चौथे दिन में इतना अच्छे से ग्रो हुआ है, हल्का पत्ता आया है बस। अब ये सातवें दिन का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सभी अच्छे से ग्रो हुआ है और पत्ते भी अच्छे से आए हैं। मैं रोज शाम का धूप दिखाती हूँ, 4-5 बजे का धूप उतना काफ़ी है, फिर मैं छांव में ही रखती हूँ और 2 दिन में एक बार पानी स्प्रिंकल कर रही थी। अब ये 10वें दिन का है, आप चाहो तो आप 10वें दिन में हार्वेस्ट कर सकते हो, मैं नहीं की हूँ, मैं रखी हूँ। देखिए कितना अच्छे से आया है, कोकोपीट मिलाए तो रोज़ पानी डालने का ज़रूरत नहीं है, मैं 2 दिन में एक बार पानी स्प्रिंकल करना है, ज़ोर से नहीं डालना है। अगर आपके पास शॉवर जैसा कुछ बॉटल रहेगा तो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो। देखिए कितना अच्छे से आया है, सब भी सीड्स ग्रो हुए, मुझे इतना खुशी होती है। रोज़ मैं पहले कैसे है प्लांट्स करके देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है। ये बेबी मेथीस का ना बहुत सब्जियाँ बनती है, आप हर एक तरह के सब्जी बना सकते हो और अपने हाथों से उगाया सब्जी अपना फैमिली को खिला सकते हो, बहुत खुशी मिलती है। ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है, 1 घंटा काफ़ी है धूप। आप 4-5 ट्रे रखेंगे ना, एक ट्रे ख़त्म होते ही दूसरा ट्रे में आ जाता है, ऐसा आप कर सकते हो। बेबी मेथी हार्वेस्ट करने के बाद फिर से मैं एक बार इसमें सीड्स डालूंगी, कुछ मिक्स नहीं करूंगी, 1-2 बार फिर से मैं हार्वेस्ट लेने के बाद इसमें कंपोस्ट सिर्फ मिक्स करके फिर से मैं सीड्स लगाऊंगी। देखिए मैं 12वें दिन में हार्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है और बहुत खुशी मिलती है, अपना हाथों से हार्वेस्ट कर रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वाओ कितना सब्जी निकला है और बहुत खुशी मिल रही है। ये सिर्फ 2 बड़े ट्रे का, एक ही छोटा ट्रे यूज़ की हूँ। थैंक यू।